सब्सक्राइब करें पंजाबी फैशन डिजाइनर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज इस वीडियो में हम आपको सलवार में पॉकेट और चैन लगाने का तरीका बताएंगे। तो पॉकेट को हमने पहले से इस तरीके से काट कर रखा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने कितनी ली है। तो लंबाई हमने इसकी ली है 16 इंची और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो ली है हमने 7.5 इंची। तो ये हमारी पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई का हमने इस तरीके से कपड़े को पहले से निकाल कर रखा हुआ है। तो अब हम इसमें पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट का मार्क हमने ऊपर से 1.5 इंची लेंगे नीचे की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसे 1.5 इंची नीचे की तरफ लेना है। इधर भी हम 1.5 इंची नीचे की तरफ लेंगे। अब हम पॉकेट की जो लंबाई है वो हमने देनी है 5 इंची। तो 5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इधर भी मार्क लगाएंगे 5 इंची में। और इधर का कपड़ा, इस मार्क से जो इधर का कपड़ा और इस मार्क से जो इधर का कपड़ा, हमें बराबर रखना है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे, फिर इससे थोड़ी सी दूरी में हम एक मार्क और लगाएंगे। तो यह हल्की सी दूरी हम इसमें देंगे, यह हमारी 2 सूता की दूरी होगी। तो इस तरीके से हमने इसमें मार्क लगा दिया है। अब इसे हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा मार्क लग गया है, हम आपको दिखा दें एक बार। तो इस तरीके से हमने इसमें मार्क लगाया है। अब हम इसमें पॉकेट को बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो ये होगी हमारी सलवार, जहाँ पर हमारी डोरी लगती है इसे हम बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंची दूरी में एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 इंची दूरी में एक मार्क लगाना है और सलवार के इस जोड़ से ऊपर की तरफ हम 2 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो ये मार्क हमने लगा दिया है। अब इसी मार्क से हम, हमारी पॉकेट है 5 इंची, तो 5 इंची में मार्क लगाएंगे। इधर हमने जितनी दूरी दी है 2 इंची दी है, इधर भी हम 2 इंची दूरी देंगे। तो दोस्तों, हमने ये मार्क को इस तरीके से लगा दिया है। अब हम पॉकेट के कपड़े को लेंगे, इस मार्क के ऊपर हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से बैठा दिया है। अब ये जो हमारा पल्ला है इसे हम अलग करेंगे। तो इसे हम अंदर की तरफ अलग करके नीचे पल्ले को नहीं सीना है हमें, नीचे पल्ले को हटा लेंगे। इसे हमने अलग कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से अलग कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी इसी मार्क से होगी, तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई हमने इसी मार्क से ही करनी है। इसी मार्क के ऊपर हम सिलाई को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ये सिलाई हमने इस तरीके से कर ली है। अब हम इसके बीचों बीच इसकी कटिंग करेंगे। तो और ये कटिंग हमने यहाँ से लेकर इतनी दूर तक हमें सीधी करनी है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा स्क्वायर टाइप का जो सिलाई हमने दी है, इसे हम इस तरीके से भी कट करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से भी कट करना है, इधर भी हम भी कट करेंगे और यहाँ पर हम सीधी इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो दोस्तों, पीछे की तरफ हमें हाथ को जरूर रखना है ताकि हमारा यही पल्ला ही कटे, दूसरा पल्ला ना कट जाए। तो हमें पीछे की तरफ हाथ को रख कर ही इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर लाकर हम हल्की सी भी से कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो हम आपको दिखा दें, तो हमने इसे इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमने इसकी भी कटिंग की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी भी कटिंग की है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट देंगे।
और इसे अच्छी तरीके से नाखून से बैठा लेंगे, चाहे तो आप इसे प्रेस से बैठा लें। तो हमने इसे इस तरीके से बैठा लिया है। अब हम इसमें चैन लगाएंगे, इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं। हमने इसे इस तरीके से सीधा कर लिया है, अब हम इसमें चैन लगाएंगे। तो ये होगी हमारी चैन जिसे हम इसके अंदर रख कर सिलाई देंगे। तो इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ घुसाएंगे। ये चैन को हमने अंदर में इस तरीके से रख दिया है, अब इसके किनारे किनारे हम इसकी सिलाई देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो इस तरीके से हम इसे बैठा लेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो यहाँ तक की हमारी सिलाई हो गई है। अब हम नीचे से लॉक को, पहले सिलाई को हम इस तरीके से निकालेंगे और नीचे का जो हमारा लॉक है अंदर की तरफ, इसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें इस लॉक को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो दोनों चैनों को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला लेना है और उसके बाद ही हम इसकी सिलाई देंगे। अब चैन को नीचे की तरफ खींच लेंगे और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने चैन को इस तरीके से बैठा दिया है। अब हम पीछे की तरफ भी आपको दिखा दें कि ये चैन हमारी किस तरीके से लग रही है। तो पीछे में हमारी चैन इस तरीके से लगी है। अब ये हमारी चैन यहाँ कुछ बढ़ रही है, तो इसे हम हल्का सा कटिंग कर लेते हैं। तो ये चैन हमारी पीछे की तरफ इस तरीके से लग गई है। ये जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से बैठाएँगे। तो इसी के बराबर ही हमें इसे बैठाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बैठाएंगे। अब हम इसे पलट कर इसकी सिलाई देंगे। तो इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और एक पल्ले को हमको लेना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पल्ले को भी हम इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। ये दोनों हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई देंगे। इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से हाफ इंची मार्जिन घुसाएंगे और इधर भी हम हाफ इंची मार्जिन घुसा कर ही सियेंगे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके सीते जाएंगे। इसे भी हम हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इधर भी फोल्ड करेंगे। इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हम इधर भी मार्जिन को हल्के से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पॉकेट को सी लिया है, हम आपको दिखा दें। तो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट पीछे की तरफ बन गई है। अब हम इसे सामने की तरफ करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से सामने की तरफ कर लिया है। अब हम इसमें एक सिलाई देंगे जो कि हमारी इसी के किनारे किनारे होगी, ताकि ये पॉकेट अच्छी तरीके से बढ़ जाए। तो ये पॉकेट हमारी बन गई है और ये पॉकेट बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।